दोस्तों, अभी अमेरिका की तरफ से चाइना की मिसाइलों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें चीन की मिसाइलों की ताकत को देखकर अमेरिका की भी घबराहट साफ दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिका का एक रिपोर्ट के अंदर कहना है कि रशिया और चीन ने दोनों ने ही अमेरिका से बहुत ही पहले एडवांस मिसाइलों के क्षेत्र में काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। और आज रशिया और चाइना का जो हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका से काफी ज्यादा आगे है और अमेरिका अभी टेस्टिंग फेज से ही गुजर रहा है। और ऐसे में अमेरिका चीन और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को भी बदल रहा है, जिसमें अमेरिका का कहना है कि अब अमेरिका को नए एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रशिया और चीन के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो कि दो मिसाइलें फोर्ड साइज के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको डुबाने में सक्षम हैं। जी, आप सभी ने सही सुना, स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो जिसमें अमेरिका खुद कह रहा है कि चाइना के पास लंबी दूरी की एंटी सेफ हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो कि हमारे बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को मात्र दो मिसाइलें ही डुबा सकती हैं, इसलिए अब हमें एंटी हाइपरसोनिक मिसाइलों की आवश्यकता है, साथ में ऐसे बॉम्बर जेटों की आवश्यकता है जो कि सुपरसोनिक हों, स्टेल्थ हों, इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हों, ताकि चीन और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर करने के लिए अमेरिका के बम्बरसक विमान अमेरिका के काम आ सके। वैसे भी आप सभी को बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल को आज तक कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया है, केवल रशिया का ऐसा दावा है। और रूस ने वीडियो भी जारी किया था कि S-500 ही एक अकेला ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकता है, परंतु चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों के डर से अब अमेरिका भी अपनी रणनीति को बदलने के लिए मजबूर है।